हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू बी अ न्यूट्रल पर्सन, या फिर क्या आप एक न्यूट्रल पर्सन हो। देखो, न्यूट्रल पर्सन क्या होता है, यानी न्यूट्रल होना क्या होता है, पहले हम इस बात को समझते हैं। आपके हिसाब से क्या होता है न्यूट्रल होना, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं तो हमारा इंक्लिनेशन उस चीज के और बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि आपका कोई थॉट होगा, जैसे आपको लगता है कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है, तो आप उस चीज की तरफ एक आपका इंक्लिनेशन या फिर आपका झुकाव हो जाता है कि नहीं नहीं मेरे हिसाब से यही चीज सही है, मुझे लगता है इसलिए ये सही है। बट क्या सच में वो सही होता है क्या, हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते। क्या होता है ना, हम हमारी बचपन से लेकर के अब तक ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है, इस कंडीशनिंग के चलते हमको ऐसा लगता है कि जो हमें लग रहा है यानी जो हमें पता है वही सही है। बट क्या जरूरी है जो हमें पता है वो सही होता है। देखो, बचपन से लेकर के अब तक अगर आप अपनी पूरी जर्नी को देखो तो उस दौरान आपने काफी चीजें सीखी, काफी बार आपके थॉट्स जो है वो गलत भी रहे हैं, काफी बार आप जिस चीज को सही समझते थे वो गलत भी साबित हुई है। तो क्या जरूरी है क्या कि जो आपको लग रहा है वो सही होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमको ऐसा लगता है कि जो मुझे लग रहा है वही सही होना चाहिए, नहीं नहीं मुझे तो लगता है ये सही है, यानी मेरे हिसाब से। हम हमेशा बोलते हैं कि मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो सही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। बट क्या आपका लगना ऑफिशियल प्रैक्टिकल लेवल पर जरूरी होता है क्या? आपको तो कुछ भी लग सकता है। आपको लग सकता है कि शक्तिमान होता है, आपको लग सकता है कि एलियन होते, आपने कोई मिल गया मूवी में देखा तो आपको लग रहा है कि एलियंस होते, आपको लग रहा है पावर रेंजर्स होते, जो मैंने बचपन में काफी देखा है। बट क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सुपरफिशियल लेवल पर मानते हैं, बट जरूरी नहीं वो होगा या नहीं, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ये तो होगा एक सुपरफिशियल लेवल की बात जहां पर वी वर नॉट श्योर। वी वर इसलिए कह रहा हूं बिकॉज बच्चे थे तो हमें पता नहीं था, है ना। तो ग्रेजुअली हमें चीजें पता चलने लग जाती है कि नहीं नहीं सुपर हीरो ऐसा कुछ होता नहीं है, सोन परी कहीं नहीं थी, ना शकला का बूम वाली पेंसिल थी, ना पावर रेंजर्स कहीं कुछ थे। हमको पता चल जाता है धीरे धीरे कि ऐसा नहीं होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते ये चीजें हम कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज हमें उनकी ग्राउंड रियलिटी पता चल जाती है कि नहीं नहीं ये सारी फेरी टेल्स वगैरह है, ऐसा कुछ होता नहीं है, हमें सिर्फ बचपन में डराने के लिए या बताया जाता है कि सो जाओ वरना भूत आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना हमको बताया जाता है जब हम छोटे बच्चे होते। बट जैसे हम बड़े होते वैसे वैसे हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट होने लग जाती है, हम थोड़े थोड़े मैच्योर होने लग जाते। आज दिन तक जिस एक बिलीफ को लेके चल रहा था कि WWE रियल है, बट एंड में जाकर के मेरा बिलीफ यहाँ पे टूट गया और फाइनली बिकॉज आई एम नॉट बायस्ड, आई एम न्यूट्रल, मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी WWE स्क्रिप्टेड है। बट उसके बाद क्या मैंने देखना बंद कर दिया? नहीं, मैं आज भी देखता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। इवन लोगों को क्रिकेट वगैरह वगैरह चीजें पसंद होती है, IPL सब के बहुत सारे लोग, अगर दुनिया को उठा के देखो सब इसके फैन है, सबको IPL पसंद है, सब पसंद है। लेकिन मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है बट इंटरेस्ट नहीं है इन सारी IPL और क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट है, क्रिकेट फुटबॉल किसी चीज में इंटरेस्ट है। मुझे सबसे ज्यादा WWE में इंटरेस्ट है, मुझे रेसलिंग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है और ये बचपन से मेरा फेवरेट स्पोर्ट नहीं कह सकते, इसको मैं एंटरटेनमेंट का एक सोर्स रहा है। सो द थिंग इज, जब मेरा बिलीफ टूटा तो उसके बाद मैंने उसको देखना बंद नहीं किया, मैं आज भी देखता हूँ। बट हाँ, एक बैक ऑफ द माइंड मुझे कहीं ना कहीं पता है कि चलो ठीक है, स्क्रिप्टेड है, कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए देख। एनीवेज, हम WWE की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि न्यूट्रल होना क्या होता है। देखो, जो मेरा बिलीफ था आज दिन तक, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देते हुए समझाया, मेरा बिलीफ जब टूट गया तो क्या मैं उस चीज को लेकर के थोड़ी बैठा कि नहीं नहीं वो तो सच होता है, रियल होता है, स्क्रिप्टेड नहीं होता है? जब मुझे पता चला तो मैंने उसको मान लिया। हम सबकी लाइफ में यही गड़बड़ हो जाती है, हमारी लाइफ में भी काफी चीजें आपको आज दिन तक पता नहीं है, लेकिन अगर कोई आके आपको बताएगा ना कि देख भाई ये चीज ऐसी नहीं ऐसी, आपका ईगो बीच में आ जाएगा, आप बोलोगे क्या, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैं इतने सालों से इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ और आप कौन हो जो आके बताते हो कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है? हो ही नहीं सकता, जो मुझे लगता है वही सही है, जबकि आपने उस पर्टिकुलर चीज के बारे में सही से पढ़ा ही नहीं है, आपने जानकारी हासिल की ही नहीं है, फिर भी आप अपना एक बिलीफ बना के बोल रहे हो कि नहीं नहीं मुझे लगता है सही है तो ऐसा ही होना चाहिए। आप वहां पर जो कर रहे हो उसको बोलते बायस्ड होना, उसको बोलते न्यूट्रल ना होना। सो ऐसा क्यों होता है, हम क्यों न्यूट्रल नहीं होना चाहते, हम क्यों जबकि दिख भी रहा है तब भी नहीं देखना चाहते कि देखो भाई ये सच है या झूठ है? जैसे हमको मालूम है कि सिगरेट पीने से क्या होगा, हमारी सेहत खराब हो जाएगी, शराब पीने से खराब हो जाएगी, है ना, फिर भी हम उनको कंज्यूम करते हैं। क्यों? बिकॉज हम उस पर्टिकुलर चीज के हैबिचुअल हो चुके, आदि हो चुके। ऐसा होता है व्हेन इट कम्स टू ये सारे ड्रग्स वगैरह, तो हम उस सारी चीजों के आदि या फिर हैबिचुअल हो चुके, इसलिए हम उन चीजों को करना चाहते हैं। बट
जो अदर बिलीफ है जिनकी अगर हम बात करें, जो आपको कुछ भी लगता रहता है सुबह से लेकर रात तक, आपको जो माइंड सेट बना रहता है, जो आपके माइंड में प्री कंज्यूम नोशन होते हैं, मैं हमेशा इसकी बात करता हूँ, प्री कंज्यूम नोशन, यानी कि आपने किसी पर्टिकुलर चीज को ऐसा समझ के लिए बिना उसके बारे में पूरी स्क्रूटिनाइज किए हम उसको क्या करते हैं, अपने एंड से कोई ना कोई जजमेंट दे देते, जजमेंट पास कर देते बिना किसी जानकारी के। इसको बोलते हैं बायस्ड होना, इसको बोलते हैं न्यूट्रल ना होना। अरे भाई पहले पता करो पर्टिकुलर चीज के बारे में, अगर आपका यू नो कोई भी चीज आपको लगती है तो उस पर क्वेश्चन करो ना, क्यों नहीं क्वेश्चन करते? हम कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहते, हम एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, पता है क्यों? बिकॉज इसके दो रीजन, सबसे पहला हम अपने ब्रेन को ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते, हमको लगता है कोई और आके हमको इन्फॉर्मेशन दे दे और हम उसको सुन के मान लेंगे। मान क्यों रहे? बिकॉज हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम चाहते कि कोई हमको स्पून फीडिंग करे, यानी कोई हमको आके सारी चीजें खिला दे, एक जगह पे बैठा आके हमको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दे, जबकि हम खुद अगर खुद से उसको रिसर्च करें तो हम उसके बारे में जो रियल नॉलेज है वो जान सकते, बट हम जानना चाहते नहीं है, जस्ट बिकॉज हम बहुत ही बायस्ड है, हम बहुत ही यू नो कंफर्ट जोन के अंदर रहते और हम अपने एंड से कुछ नहीं करना चाहते, अपने ब्रेन को यहाँ पर परेशान नहीं करना चाहता। आपको न्यूट्रल रहना कितना जरूरी है ये आपको समझना चाहिए। देखो क्या होता है ना, हम एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, मैंने कहा WWE का एग्जांपल मैंने बताया आपको, कि मैं बहुत टाइम से सोचता था कि नहीं नहीं ये सच है सच है सच है, मैं कब तक, मैंने सारी जिंदगी भी इसको मानता रहा ना कि ये रियल है रियल है रियल है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान मेरा होने वाला है बिकॉज मैं उसको रियल मान रहा हूँ। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जहां पर हम ऐसे ही बायस्ड हो जाते कि हम जो सच है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते? जस्ट बिकॉज हमारे थॉट्स, हमारा ईगो, हमारे प्रीकंसीव नोशंस उसके बीच में आ जाते, हमको लगता है कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, यानी इतने सालों से मैं इस चीज को मान रहा हूँ तो मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। हमारा ईगो वहां पे आड़े आ जाता है कि नहीं मैं इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, मैं गलत हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकते? मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि यूनिवर्स के तीन लॉज होते हैं, तीन लॉ में एक ये था नेवर से नेवर। नेवर से नेवर का मतलब क्या है कि लाइफ में कभी भी कहीं भी कुछ भी कैसे भी किसी के भी साथ हो सकता है। आई बटन प्यार है देख लेना। सो द थिंग इज, अगर कुछ भी हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? आप जो आज दिन तक बिलीव पकड़ के बैठे हो कि नहीं नहीं मुझे लगता है तो ये सही है, तो वो आपको जो लग रहा है वो गलत क्यों नहीं हो सकता? अगर कभी भी किसी के साथ कुछ भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? आप अपने बिलीफ को छोड़ना क्यों नहीं चाहते? यानी आप जो भी सारी चीजें सोच रहे हो उसके बियॉन्ड जाके क्यों नहीं सोचना चाहते? आप अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन क्यों नहीं करना चाहते? करके देखो ना क्या हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, अपना बिलीफ चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका बिलीफ गलत है तो उसमें भी 50-50 चांसेस है, ऐसा नहीं कि आपका आप जो सोच रहे हो वो गलत ही है, सही भी हो सकता है ना, बट ट्राई टू क्वेश्चन इट ना, एटलीस्ट आप उसको क्वेश्चन तो करो, क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा ना आप सही सोचते हो कि गलत सोचते हो। जैसे मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तो मैं अपने वीडियोस को हमेशा चार बार देखता हूँ, जस्ट बिकॉज एक क्लैरिटी के लिए कि जो भी चीजें मैंने बोली क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, ताकि अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो अगले वीडियो में मैं अपने ऑडियंस से माफी मांग सकूँ। सो मैं भी यहाँ पर न्यूट्रल होने की कोशिश करता रहता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से न्यूट्रल हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं न्यूट्रल हो जाओ। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया आपको WWE का, मुझसे नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा था कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, पूरे जिंदगी के 15-16 साल मैंने लगा दिए जो मैं रेसलिंग देख रहा और वो स्क्रिप्टेड है, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, मेरे को ऐसा था, बट एंड में जाके मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना। जस्ट बिकॉज झूठ कब तक अपने मन में बना के रखूं मैं? झूठ का सच क्या है कि वो झूठ है, तो मैं उस झूठ को लेके क्यों बैठूं? उसी तरह आप भी अपने माइंड में अगर किसी भी चीज को लेकर के एक प्रीकंसीव नोशन बना के रखा है, कहीं पर भी जाकर के आप अगर बायस्ड होते हो, न्यूट्रल नहीं हो, तो वहां पे न्यूट्रल हो जाओ, बिकॉज आपका नुकसान है और किसी का नहीं। झूठ अपने मन में बना के रखो, उससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किसी भी चीज का सच जान लो तो वो आपके लिए अच्छा होता है। एक रिलेशनशिप का आप एग्जांपल देना चाहूंगा, क्या होता है एक लड़का लड़की जब मिलते हैं तो उनके बीच में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती के बाद दोनों में से एक को लगता है कि शायद वो मुझे पसंद कर रही है या मुझे पसंद कर रहे, ये भी एक उनका बिलीफ है। बट अगर अगले के मन में कुछ है ही नहीं तो आप उस बिलीफ को कितना भी टाइम अपने मन में रखो कि नहीं नहीं वो मुझे पसंद करती है, कुछ कुछ है वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी सोचते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या होने वाला है, एंड में जाके आपका कटने वाला है, तो बेटर क्या, जाकर के उस पर्सन से बात करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ है तो उसको यू नो रेक्टिफाई कर लो फटाफट, उसका सलूशन निकाल लो। अगर है तो जाके बोल दो कि भाई मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें क्या लगता है, कुछ है क्या तुम्हारे मन में? अगर ना है तो ना बोल देगी, हाँ है तो हाँ बोल देगी, तो दोनों केस में आपका फायदा है। पहला, अगर उसने हाँ बोला तो जो आपके मन में लड्डू फूट रहे तो उसका तो आपको अच्छा हो गया, फिर उसने हाँ बोल दिया। दूसरा, अगर उसने ना बोल दिया तो इससे पहले कि आप उससे ज्यादा अटैच होते आप बच चुके हो, यानी आप ज्यादा अटैच नहीं होंगे और आपको पता चल गया कि नहीं भाई उसके मन में कुछ नहीं है, तो बेटर क्या है, डिस्टेंस मेंटेन कर लो। तो ऐसा होता है, इसलिए जो हमारे प्रीकंसीव नोशंस, हमारे जो बिलीव्स रहते हैं उसको छोड़ो। यहाँ पे होता क्या, आपको क्या करना है, अपने जो भी बिलीव्स है सारे बिलीव्स को क्वेश्चन करो। जो भी चीज अगर आपको कोई आकर के बताता है कि देख भाई ये ऐसी नहीं ऐसी है,
विद प्रूफ आपको बता रहा है ना, तो एक्सेप्ट करो ना, क्यों नहीं करते आप? क्यों वहां पर इगोइस्टिक हो जाते हो आप? क्यों वहां पर बायस्ड हो जाते हो? बायस्ड मत हो, बिकॉज उससे आपका नुकसान है, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान है। क्या होता है, आप ग्रेजुअली इगोइस्टिक बनते भी नहीं हो, मैं कहूंगा आप ऑलरेडी हो, तो आपका जो इगोइस्टिक पना है वो ज्यादा रिजिड हो जाता है, सख्त हो जाता है, आप उसको सख्त लौंडे बन जाते हो, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। सो द थिंग इज, आप अगर छोटी छोटी चीजों में, देखो ये डायरेक्टली तो होगा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज जाकर के अपने सारे जो बिलीव्स उसको क्वेश्चन करो, कल आपको आंसर मिल जाएगा, आप अनबायस्ड हो जाएंगे, ऐसे होगा नहीं। आप क्या करो, ग्रेजुअली छोटी छोटी चीजों के ऊपर जाकर के एक्सपेरिमेंट करो, अपने लाइफ में जो भी चीजें हैं उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो कि क्या मुझे ऐसा लगता है या क्या सच है कि झूठ है, चलो क्वेश्चन करते हो। क्वेश्चन करने के बाद अगर आंसर आपके जो थॉट्स है उसके अगेंस्ट में आ रहा है तो भी उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, आपके अंदर ईगो नहीं है, आप अगर है भी तो ग्रेजुअली खत्म हो रहा है। ये आपके प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आए, जो हमने न्यूट्रल होने के ऊपर बात की, तो आई होप आपको समझ में आए कि न्यूट्रल होना लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, यू नो, कभी भी किसी भी जगह पे जा करके आप फंसना नहीं चाहते, तो हमेशा न्यूट्रल रहो, हमेशा प्रैक्टिकल रहो, हमेशा यू नो प्रैक्टिकल लेवल पे सोचने की कोशिश करो। न्यूट्रल हम क्यों नहीं रह पाते या फिर हम यू नो बायस्ड क्यों हो जाते, उसका रीजन ये कि हम कहीं ना कहीं इमोशनली उस पर्टिकुलर चीज के साथ अटैच हो जाते। तो इमोशंस को बीच में मत लाओ, व्हेन इट कम्स टू योर प्रैक्टिकल लाइफ वहां पे इमोशंस को मत लेकर के आओ। तो जहां पर भी आप इमोशनल हो गए वहां पर आप वीक या फिर कमजोर पड़ने लग जाते हो, तो ऐसा मत करो, यू नो इससे आपका नुकसान होने वाला है। बेटर क्या है, प्रैक्टिकल रहो, जो है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो, रियलिटी को एज इट इज देखना शुरू कर दो और सीखो इस सारी चीजों से। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके बिलीफ टूट रहे, इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत हो। आपको पता नहीं था तो आप उसके ऊपर विश्वास कर रहे थे, द मोमेंट आपको कुछ पता चल गया कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो जो सही है उसको फॉलो करो, उसमें क्या बुराई है। बट इससे होगा क्या, इससे आप एक अच्छे इंसान हो समझ में आएगा, आप एक यू नो न्यूट्रल पर्सन हो ये समझ में आएगा, आप एक अनबायस्ड पर्सन हो ये दुनिया को समझ में आएगा। सो आई होप ये छोटा सा जो हमने वीडियो बनाया था हाउ टू बी न्यूट्रल या फिर यू नो व्हाई वी शुड नॉट बी बायस्ड, आपको समझ में आया होगा। अगर इसके दौरान आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। अगर कोई टॉपिक्स, कोई चीज यहाँ पे मैंने छोड़ दी जो मैंने कवर नहीं की, तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। कुछ टॉपिक्स आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।